हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। मैं जय आपका वीक क्रैक एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम मैथ्स एनसीईआरटी का क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th की 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? जीरो रैशनल रैशनल नंबर है या नहीं है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू? क्या ये पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है? जीरो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, यानी हम क्यू को जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आपको नंबर्स के बारे में जानना है तो मैंने नंबर्स के बारे में पहले एक क्लास ले चुका हूँ। मैं 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो पहली ही क्लास है वो नंबर्स के बारे में है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीरो को हम 0/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने बता दिया कि भाई जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये तो हम नहीं लिख सकते। देखिए, हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं। भाई 0/समथिंग जीरो ही होता है, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, हम इसको आगे कैसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होता। तो यहाँ क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, और हम इन सबको सोल्व करेंगे तो जीरो ही आंसर आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई जीरो जो है रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज रैशनल नंबर। कि भाई जीरो जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम आगे कितने भी लेके जाएं, इन्फिनिटी तक लेके जाएं, तो भी जीरो ही आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द 6th रैशनल नंबर। कि भाई 6 रैशनल नंबर बताने हैं। किस किस के बीच? बिटवीन 3 एंड 4, इसके बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। देखिए, आप ये क्लास देखने से पहले आप जो 8th क्लास की जो फर्स्ट क्लास है ना, वो देखिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ठीक है, उसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। ये करते हैं इसको, 3 और 4 इसके बीच में हमें रैशनल नंबर बताने हैं। अब मैंने रैशनल नंबर क्या बताया था कि भाई वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो है क्यू जो है नीचे वाला नंबर जो है जीरो नहीं होता। तो इसको देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं 21/7। भाई 21/7 को हम इसे काट देंगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा, जो कि यही है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम रख के हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रख के हम इसी को भी फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 28, क्योंकि इसे काट देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी एक तरह से हम इन दोनों नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 21/7 और 28/7। भाई 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, और क्यू भी जीरो नहीं है। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इनके बीच में हम आसानी से निकाल सकते हैं 6 रैशनल नंबर। कौन कौन से? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये 6 रैशनल नंबर आ गए। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि भाई 6 रैशनल नंबर बताओ इनके बीच में। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करके हम उनको फाइंड आउट कर लेंगे, और उनके बीच में हम
आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है ये कि भाई 3/5 और 4/5 इनके बीच में रैशनल नंबर बताओ। कितने रैशनल नंबर? 5 रैशनल नंबर। ठीक है, इनके बीच में रैशनल नंबर बताओ, 5। देखिए अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, अगर मैं दोनों ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30/5, 30/50, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 40/50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ऐसे क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसान आए। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए इस वजह से हम इसे ऐसे बनाते हैं। आप देखिए इन दोनों के बीच में आप कोई भी 5 बता सकते हैं, जैसे कि 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, हो गए 5। 5 ही बताने, तो 5 हो गए। दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया और अब इनके बीच में, अब देखिए अब 3 और 4 के बीच में निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका गैप जो है एक ही का है, 3 और 4 में गैप एक का ही है, हमें 5 बताने हैं। ठीक है ना, 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब देखिए इनके बीच में गैप कितने का हो गया, 10 का हो गया। अब कोई भी 5 लिख सकते हैं हम आसानी से, ठीक है, कोई भी 5 नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं, आए समझ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, वो आप खुद कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ भी, एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। क्या? पहली, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का देखिए मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी एक टाइम के बाद वो जो है डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। जैसे कि 2/5 कितना जाएगा, 0.4, ये आगे जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये यहीं पे खत्म हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1/2 ये कितना हो जाएगा, 0.5, ये भी आगे नहीं जा रहा, यानी ये भी टर्मिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको कि भाई टर्मिनेट का मतलब तो खत्म हो जाना, नॉन अगर आगे लग गया तो इसका मतलब वो आगे जाके खत्म नहीं होगा, वो रिपीट होता रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1/3 कितना आ जाएगा, 0.3333, आगे चलता जाएगा इस ऑन, ठीक है, चलता जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 2/3 ये कितना आ जाएगा, 0.66666, ये आगे चलता जाएगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े कि भाई क्या होते हैं, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाने एक टाइम के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म ना होना, वो चलते रहना आगे 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 आगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इनके। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, से विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट इज, यानी भाई वो कौन से टाइप का है। देखिए पहला देखते हैं, 36/100, 36/100 अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं 0.36, ये भाई टर्मिनेट हो गया, आगे जा रहा है ये, नहीं जा रहा ना, तो ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग, आगे तो जा नहीं रहा, ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा। अगर सेकंड एग्जांपल देखिए हम, 2/11, 2/11 देखिए, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें 2/11, तो ये कितने पे जाएगा, 0.1, देन उसके बाद 8 पे चला जाएगा,
फिर उसके बाद दोबारा फिर वन पे, फिर एट पे, फिर वन पे, फिर एट पे, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार। ये जो बार का मतलब होता है ना, इसका मतलब भी रिपीट होना होता है। जितने नंबर के ऊपर बार होगा, इसका मतलब उतने ही नंबर बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा। और रिपीटिंग क्यों लिखा, क्योंकि ये भाई बार बार रिपीट हो रहे हैं दोनों, 18 18 18 18 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 18 18 18 रिपीट होता जा रहा है। चलिए सारे एज इट इज हैं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए घर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको पता है कि ये क्या है, 0.148142857। ठीक है, 1/7 का मतलब क्या है, 0.142857, और इसके ऊपर बार, यानी इसके बाद ये रिपीट हो जाएगा 0.142857, दोबारा से फिर शुरू हो जाएंगे 1 4 2 8 5 7, फिर से शुरू हो जाएगा 1 4 2 8 5 7। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये तो इसने दे दिया वही क्वेश्चन में। इसने पूछा है कि भाई आप बताओ 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, आगे आप खुद ट्राई कीजिए। आर विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ, कि भाई इसके बारे में बताना है हमें, दे दिया ये 1/7 ये है, इसके बारे में बताओ आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है इसके बारे में। देखिए आप इसको 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। अब देखिए 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 1/7 की, कितनी वैल्यू है, 2 × 0.142857 और इसके ऊपर बार। ठीक है, हमें ये गिवन है कि भाई 1/7 कितना है, 0.142857 इसके ऊपर बार। तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में था, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 7 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5 1 5, ठीक है 1 कैरी ले देंगे 5, और भाई 2 4 8 और 2 2 1, अगे ये बार। ठीक है, ये हमें गिवन था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 0.285714। अगला अगला भी ऐसे ही है, सारे ही ऐसे ही हैं। 3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 × इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 4 2 8 5 7 इसके ऊपर बार। तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई करते हम, 7 3 21, 2 5 3 15, 17 1 4 5 2 6 8 2 4 और इसके ऊपर बार। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे और हम जितना नंबर दे रखे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, 0.6 उसके ऊपर बार है। अब देखिए हम बार अगर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, इसको हम लिखते हैं
सिक्स बाय नाइन क्यों लिखा? देखिए ये सिक्स एज इट इज रहता है क्योंकि इसके आगे नंबर नहीं है कुछ भी, और जितने के ऊपर बार होता है उतने नाइन आ जाते हैं, एक के ऊपर बार रहता है एक नाइन, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको हम काट सकते हैं टू से, थ्री से काट सकते हैं, थ्री टू ज़ा और थ्री थ्री ज़ा, यानी हमें इसके बारे में एक्चुअली बताना है कि भाई ये आंसर लेके आना है, ठीक है, ये वेरीफाई करवाना है हमें। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं लेट जो ये दे रखा है इसको हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, किससे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड। देखिए 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर आगे बार हैं, ठीक है, अगर दो होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन होते तो 1000 से, ठीक है। तो डेसिमल का ध्यान रखना हमें, इस वजह से हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.6x के ऊपर बार, क्योंकि देखिए इसको अगर हम ऐसे लिख दें 0.66 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है 0.6666 आगे चलता जाए, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 6 प्लस 0.6 बार है, अगर हम 0.6 बार को 6 प्लस कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा, 6.6 बार, जो कि यही है, ठीक है। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब देखिए ये क्या माना था, ये x माना था, x माना था ना, तो इसकी जगह मैं x पुट कर दूं, अब ये x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6, नाइन एक्स इज इक्वल टू 6, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 6 बाई 9 यानी 2 बाई 3, यही आंसर है, ठीक है, यही हमने वेरीफाई करवाना था, आया समझ। पहले हमने इसको x मान लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ एक के बाद डेसिमल था, और उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 बाई 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, कौन सा, 0.47 बार। अगर मैं आपको बताऊं इसका क्या होता है, देखिए जितने के ऊपर बार है उतने नाइन, डिनोमिनेटर में जितने के ऊपर बार है उतने नाइन, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो, जितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है ना, उतनी जीरो, और नंबर एज इट इज जो गिवन है माइनस, जितने के ऊपर बार नहीं है वो नंबर माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 4, यानी 43/90। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, चलिए सोल्व करते हैं। अब इसे x मान लेते हैं हम, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 47 बार, बार को अगर हम हटाएं 777 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि एक के ऊपर बार है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 4.7777, ठीक है, ये आ गया। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, अगर हम इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड वन, ठीक है, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया, 10x में से 1x गया, कितना बच गया, 9x इज इक्वल टू, अब देखिए ये 7 में से 777 चले जाएंगे तो 0 रह जाएगी, ठीक है, ये 7 में से 4 जाएगा, कितना रह जाएगा, 3 पॉइंट, ये एज इट इज रह जाएगा, 4 में से 0 गई 4,
ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9x इज इक्वल टू 43, 4.3 लिख सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 4.3/9, ये आ गई। अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 43/90, यही इसका आंसर है। ये भी इसका आंसर था, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको जल्दी जल्दी पता लगाना है कि भाई इसका आंसर कैसा आएगा, तो ये ऐसे आएगा, जितने ऊपर बार उतने 9 डिनोमिनेटर में, जितने ऊपर बार नहीं है उतने 0, नंबर एज इट इज, जितने ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, 43/90। लॉन्ग मेथड इसका ये है कि भाई इसको एक्सपुट कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक के ऊपर बार है, और यहाँ ये आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज, सेम है कौन सा, जो मैंने आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवाया था ना, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.6 बार का, वही एज इट इज है 0.9 बार का, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करके आगे पीछे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेम जैसे हमने ये किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आएगा, 1। कैसे, कि भाई इसको हम बार को हटाते हैं तो कितना लिखते हैं, 9 डिनोमिनेटर में, जितने ऊपर बार हो उतने 9, ये कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। एक्स से आप खुद ट्राई कीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन डिवीजन करनी है फिफ्थ क्वेश्चन में, ये भी आप खुद कीजिए, किसकी, 17 की 1 से डिवीजन करनी है, और देखिए क्या आंसर आएगा। जैसे कि 0 पॉइंट लगा देंगे यहाँ, ये यहाँ 0 0, ये 5 पे चला जाएगा, कितने बार, 17 फाइव से 85, कितना बच जाएगा, 15, ठीक है। उसके बाद आप खुद डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड करना सिंपल। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट द थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो कि खत्म ना हो और नॉन रिकरिंग हो। सेवन्थ क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा, जैसे कि भाई √2, √3, √5, ठीक है ना, ये तीन हो गए नॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.41, इसकी 1.73, √5 की वैल्यू होती है 2.23, ठीक है। ये आ जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आगे एट क्वेश्चन देखते हैं, देखें एट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड थ्री डिफरेंस रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 में जो है हमें तीन रैशनल नंबर बताने हैं। देखिए एट क्वेश्चन, 5/7 एंड 9/11, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए आप डिवाइड कीजिए 5 को 7 से और 9 को 11 से, इसका कितना आ जाएगा, 0.714285, इसके ऊपर बार, और इसका कितना आ जाएगा, 0.81 बार, ठीक है। डिवाइड आप खुद कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ये और इसका आ जाएगा ये। अब देखिए इनके बीच में हमें बताना है कि भाई रैशनल नंबर बताने हैं इनके बीच में, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इसके 71 और इसके बीच में लेने हैं, इसके बीच में हम क्या ले लेते हैं, 0.72, ठीक है, 0.72, उसके बाद 0.72, 1.072, फिर 2.072, फिर 3.072, अप टू 100 ओन, ये चलता रहेगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं इससे बड़ा ही, 7.3 का, फिर 0.73, फिर 0.073, फिर 0.0073, अप टू 100 ओन, आप 81 तक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 7.4 भी ले सकते हैं, 7.5 भी, 6.7.8, एक मान लीजिए बुक में आपके दे रखा आंसर जो इससे छोटा, जैसे कि 0.80, ठीक है, फिर 8.00, फिर 8000, फिर 8 4 बार 0, अप टू 100 ओन। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर, ये बताने के भाई ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। देखिए पाई एक इरेशनल नंबर है, इंपॉर्टेंट ये बताने कि भाई ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट और फिफ्थ है वो इरेशनल है, जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है वो रैशनल नंबर हैं, ठीक, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और
जो इरेशनल होते हैं उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये आपकी 1.3 थी, आप इसे रिवाइज कीजिए। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।